हाय गाइस, सो लेट्स चेक मूवOS 4 में हमें क्या क्या अपडेट्स मिले हैं। सो जैसे ही हम मूड्स में जाते हैं, यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू मूड थीम आ गया है जो कि केयर है। तो इसे हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं, आप एक मैसेज पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है कि डिस्कवर हाउ मेनी ट्रीज डज इट टेक टू रिड्यूस CO2 एमिशन टू द सेम लेवल एज योर ओला स्कूटर। इसको जब आप स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका करंट जिस स्टेज में वो ट्री है उसका स्टेज आपको दिखा देगा। तो मेरा स्टेज 5 पे है। ये बेसिकली आपका डिस्टेंस जितना कवर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी द ग्रोथ। 5% एट 300 किलोमीटर्स, 10% 600, 15 900, 20 1200। सो आप देख सकते हैं ट्री का साइज भी बड़ा होते जा रहा है, उसमें और पेटल्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, लीव्स आ रहे हैं। 45%, 50 55 60 70 80 90 एंड 100। सो 100 आपका लास्ट स्टेज है विच इज स्टेज 20 एंड ये 6000 किलोमीटर्स पे होगा आपका, जिसमें कि आपका ट्री फुल फ्लेज, सारे लीव्स, सारे पेटल्स, सारे फ्लावर्स सब इसमें आ जाएंगे, जो आपका लास्ट 20th स्टेज है। नेक्स्ट हम सेटिंग्स में चेक करते हैं और क्या क्या अपडेट आया है। सो आप साउंड्स में देख सकते हैं कि नीचे आपके पास दो न्यू ऑप्शंस आ गए हैं। एक है होस्ट अ कॉन्सर्ट एंड जॉइन अ कॉन्सर्ट। मेरे पास अभी दूसरा कोई ऐसा स्कूटर ओला का नहीं है जिसमें मूवOS 4 हो, तो ये अभी मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। वंस एनी ऑफ माई फ्रेंड्स और फैमिली स्कूटर यू नो रिसीव्स मूवOS 4, देन मैं ये टेस्ट कर पाऊँगा, बिकॉज इसके लिए आपको मल्टीपल स्कूटर्स होना ज़रूरी है। सो बेसिकली होस्ट कॉन्सर्ट में आप एक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं जो कि बाकी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी स्कूटर्स, एंड पैरेलली वो सारे अपने स्पीकर्स के थ्रू वही सेम सॉन्ग प्ले करेंगे। जॉइन अ कॉन्सर्ट में आप, जैसे आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव हैं जो अपने स्कूटर में सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, आप सेम सॉन्ग अपने स्कूटर में भी प्ले कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी लाइट्स में क्या अपडेट आया है। सो आप नीचे स्क्रॉल करने पे देख सकते हैं तो टेक मी होम लाइट्स, ये नया अपडेट आ चुका है, एंड ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, ये भी ऑप्शन आ चुका है। सो इसको हम ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट राइडिंग के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि एक नया लेवल ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ चुका है, जिसमें आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑफ कर सकते हैं। का पहले आपका लो डिफॉल्टर हाई था, बट आपके पास अब ऑप्शन है, अगर आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, हाईवेज पे चल रहे हैं, सो आप उसको बंद कर सकते हैं एंड सिर्फ रिवर्स थ्रॉटल करके फोर्स रीजन से गाड़ी को रोक सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग रेंज मिलेगी, आपकी जो ब्रेकिंग है वो कम हो जाएगी, सो उससे आपकी जो कॉन्स्टेंट स्पीड है हाईवे पे वो मेंटेन रहेगी, उससे रेंज आपकी बढ़ेगी, एंड अगर आप रोकना भी चाहते हैं तो आप रिवर्स थ्रॉटल करके ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम नेविगेशन में देखें तो अब हमारे पास ओला मैप्स जो कि बीटा वर्जन में है वो आ चुका है। सो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इधर आप ओला मैप सिलेक्ट कर सकते हैं और मैप माई इंडिया। सो हम ओला मैप को सिलेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स में आपके पास एक नया ऑप्शन आ चुका है जो कि है फॉल डिटेक्शन। इसमें अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है सो इसमें आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी गाड़ी गिर गई है। इसको भी हम ऑन कर देते हैं। जनरल में हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किसी और को एक्सेस नहीं दे रखा अपने स्कूटर का। सो अगर आपने किसी और को एक्सेस दे रखा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे जनरल में आपको शो कर देगा। सिस्टम अपडेट में आप देख सकते हैं कि मूवOS 4 का अपडेट हमारा हो चुका है। नाउ लेट्स चेक कि जो केयर मूड थीम है वो कैसा साउंड करता है। इसमें आपको नेचर का साउंड, बर्ड्स का साउंड मिक्स आता है, बट जो इसका बेस थीम है वो एक्लिप्स का साउंड है, उसी के ऊपर इन्होंने नेचर थीम एंड बर्ड्स का साउंड मिक्स किया हुआ है। सो हम हिल होल्ड टेस्ट कर रहे हैं, ये एक इंक्लाइन है एंड हमने इंक्लाइन पे गाड़ी खड़ी करके ब्रेक प्रेस करे हैं। लेट्स सी एंगेज होता है या नहीं। यस, एंगेज होता है। यही टेस्ट हम करेंगे डाउनहिल पे, कि डाउनहिल पे ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सो
सो अब हम डाउन हिल पे हैं, सो लेट्स सी ब्रेक दबा के ये वर्क करता है या नहीं। यस, नाउ इट इज़ वर्किंग डाउन हिल एज वेल, सुपर। नाउ लेट्स टेस्ट कि टेक मी होम लाइट्स वर्क करते हैं या नहीं। हमने ये ऑन कर दिया है, लेट्स पार्क आवर स्कूटी समवेयर। सो हमने एक जगह इसको पार्क कर दिया है एंड शट डाउन करते हैं। लाइट्स आर ग्लोइंग, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दे ग्लो। Yes, they work perfectly. Let's check the Ola Maps. It gives you two routes to select from. So you can select, not two actually. If there are multiple routes, you can select whichever is faster. So I'll just go with the 25 minute route. Let's start the navigation. Okay, animation is smoother. So you can hide this, okay. You can check the turns and navigations. What else can you do? You can, okay, was that about? So that's the recenter. That's the recenter. You can minimize the map by clicking at this icon, then maximize it. Okay, so what all? So you get the trip meter, I guess when you start the vehicle, you'll get the speedometer, the trip meter, total kilometers and your music. So can you change this? So you cannot change this, but if you swipe, so you can exit that map screen, go into settings, music, other settings as well. But when you click on the home, the map comes back. So if you want to go to the home, you have to end the route and then you can go back to the home. So let's check how the GPS works, how the Ola map works. Let's set India Gate as the location. Okay, let's check. GPS accuracy is pretty good. So it gives you a compass as well. I don't know if you can see that. So the accuracy is pretty good. Occasional glitches here and there. You can maximize it. Riding minimizes. There's that. And you get a compass. I don't know how accurate that is, but yes, you do get it. So now we will try cruise control in eco mode. Let's see if that works. Let's just reach the speed of 20 and let's engage. Okay, now it works. The cruise control, it actually works in the eco mode. That's really nice. That's handy. That's really, really nice. Let's check the top speed in eco mode. The pickup has increased. What about the top speed?
So it still goes 43 kilometers an hour in eco mode, but the pickup has definitely increased. I can feel the difference. The performance of eco mode has increased. I mean, you can feel the pickup, you can feel the performance. Accelerate jaldi hoti hai. I love this theme, man. This theme is really great. I mean, it looks really good, especially the night mode. Very nice. Let's check how the auto indicator option works. So we have given a right indicator. Let's turn right. It does turn off. Wow, that's nice. Now let's check. अगर आप राइड नहीं कर रहे हैं, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे गाड़ी पे खड़े हैं, अगर आप इंडिकेटर देके हैंडल को लेफ्ट राइट घुमाते हैं तो ये बंद होता है या नहीं होता? मैंने बहुत ट्राई किया बट ये बंद नहीं होता है. सो गुड जॉब ओला. अब हम ट्राई करेंगे अगर हम लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं राइट टर्न करते हैं सो ये इंडिकेटर टर्न ऑफ होता है या नहीं होता है. तो जैसे कि हमने लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट टर्न करा, इंडिकेटर बंद नहीं हुआ. तो स्कूटर डिटेक्ट कर रहा है कि आपने जिस साइड का इंडिकेटर दिया है उस साइड टर्न नहीं किया है, सो इंडिकेटर ऑन रहता है. सो नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स जो आए हैं वो हम कवर करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. साइनिंग आउट.